लग गई थी और लोग एक दूसरे को पकड़ करके उनको नीचे खींचने लगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान ने यह दावा किया है कि काबुल उनके नियंत्रण में है। तो देखिए पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है, काबुल उनके नियंत्रण में है, तालिबान की तरफ से ये बात कही गई। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तालिबान की तरफ से औपचारिक दावा कर दिया गया है। अभी तक ये तस्वीरें सामने थी कि काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और काबुल में तालिबान घुस चुका है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल एस्टेट है वहां पर तालिबान के नेता बैठ चुके हैं जाकर के, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब तालिबान की तरफ से ये औपचारिक ऐलान कर दिया है कि काबुल पर उनका कब्जा हो चुका है, काबुल के चप्पे चप्पे पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं और काबुल के लोग खुश हैं कि यहां पर तालिबानी शासन हुआ। और ये तस्वीरें आपको अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर से दिखा रहे हैं कि अब विश्व के बाकी हिस्सों में इस तालिबानी सरकार को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, दिस इज नॉट फ्रीडम, ये बिलबोर्ड्स लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तालिबान के इस हरकत के खिलाफ। और साथ ही साथ कई आरोप अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर भी लग रहे हैं, जो बाइडेन के ऊपर भी लग रहे हैं कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया कि इस तरीके से अधर में अफगानिस्तान को छोड़ा गया। तो देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। काबुल की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में तालिबानी घुस चुके हैं, तालिबान के आतंकवादी घुस चुके हैं और वहां से अफगान का झंडा भी हटा दिया गया है, तालिबान का झंडा वहां पर लगा दिया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं।